एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मिताज फैशन। और चलिए दिखाते हैं आपको जो मैंने अपने घर में लगाया है, गार्डन में दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लगाया है, जो कि ये है कद्दू की बेल, जो कि खूब अच्छे से फैल गई है, अभी ऊपर छत तक आ गई है। तो इसमें निकलते हैं कद्दू के फूल और उन्हीं से बनाऊँगी आज मैं इनकी पकौड़ियाँ। देखिए ऊपर छत तक चली गई है, बीच में जो फूल हैं वो मैं तोड़ नहीं पाती हूँ। ये हैं कद्दू के फूल, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। तो इनकी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ। बनाते हैं कद्दू की फूल की पकौड़ी। उसके लिए मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन और ये है लहसुन और प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 चम्मच। अब हम लेंगे यहाँ पे पिसा गरम मसाला, इसमें लहसुन अदरक सारे खड़े गरम मसाले हैं, ये काली मिर्च इलायची लौंग का पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ। और ये सारे सूखे मसाले, इसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और मिर्चा आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। मिर्चा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके स्वाद पे है। और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसको पानी डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, तो इसकी जो सारी गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और एक स्मूथी सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम लेंगे यहाँ एक कढ़ाई, कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दी है। और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को उतना ही डालना है जितने में हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो जाएं। सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं, इसलिए आप इसको सरसों के तेल में ही बनाएं तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनेंगी। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसके फूल को साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पानी से इसको साफ़ कर लिया है, मगर इसकी जो इसकी डंडियाँ हैं ऊपर का पीछे का पोर्शन है इसको हम अलग कर देंगे फूल से, तो ये इस तरह से खुला खुला हो जाएगा। सरसों के तेल को जब तक उसमें धुआं ना निकलने लगे तब तक हमें उसे गर्म करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मेथी के दाने। अब और इसमें हम डालेंगे एक एक फूल उठाते जाएंगे और इसको बेसन में डिप करके इसमें हम डालते जाएंगे तेल में। पकौड़ियों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि जो हमारा बेसन है वो अंदर से भी पक जाए।
लीजिए तैयार है कद्दू की गरम गरम पकौड़ियाँ। और इसको आप चाय के साथ या एज ए सब्जी भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको टी टाइम में बना के इसका मज़ा लीजिए। तो आप भी लीजिए इन गर्मा गर्म कद्दू की पकौड़ियों का आनंद, इनको टी टाइम में बनाइए, बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, सबको पसंद आएगा, सबको बना के खिलाइए अपने परिवार को। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।